जय जगन्नाथ, नमस्कार। तो आज क्लास रे आम देखा अष्टम श्रेणी इतिहास कि प्रथम अध्याय भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा। जो भारत रे केमिका कंपनी शासन प्रतिष्ठा है से विषय की देखा। तो देख नॉर्मल कथा हूँ आम जानचे जो भारत रे इंग्रज मैंने आसिक शासन करके गले। तो भारत जेहेतु इंग्रज मैंने शासन करके गले तो पूर्व आम भारत की स्थिति कौन थी बुझिपार राजनीतिक अवस्था कौन थी से विषय के आम प्रथम जानवा निहाती आवश्यक। देख पे ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्वर भारत राजनीतिक अवस्था। तो ये आम देखा कौन जो ब्रिटिश शासन जो भारत की प्रतिष्ठा होता पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था केमिका थी बुझिपार। तो भारत बर्षर राजनीतिक इतिहास पर एक गतानुगतिक प्रक्रिया जो कहुच पाने भारत बर्षर जो राजनीतिक इतिहास राजनीतिक स्थिति जहाँ पर घटी एक गतानुगतिक प्रक्रिया मान बारंबार चेंज हो जिनसटा बुझेगा। तो इंग्रज मैंने ब्रिटिश मैंने आसवा पूर्व गोटे अलग थी बुझिपार। ब्रिटिश मैंने गलापर गोटे अलग हो गला ब्रिटिश मैंने आसवा पर गोटे अलग है तो से कह कौन एमती बारंबार हो राजनीतिक इतिहास कौन हो बारंबार चेंज होती कौन कह पाने भारत बर्षर राजनीतिक इतिहास पर एक गतानुगतिक प्रक्रिया बुझिपार। तो मेन कथा हूँ आम प्रथम जेहेतु भारतीय तो आम मानक निश्चित भाव जानवर अधिकार अच्छी जे आम भारत बर्षर कि इतिहास कौन बुझिपार। जे ब्रिटिश मैंने केमी आम भारत बर्ष को आसिले से आसवा पूर्व आमर अवस्था कौन थी निश्चित भाव जानापी आम मन भितर उत्कंठा आसवा दरकार बुझिपार। मध्ययुगीय राजनैतिक दृश्यपटर मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता भाव में बाबर कि आविर्भाव होता। तो कौन है राजनैतिक इतिहास विषय जब आम देखा तो मध्ययुगीय राजनैतिक दृष्टिपट में कौन है मोगल सम्राट किए आसान पे बाबर आविर्भाव घटी। यही मोगल साम्राज्य औरंगजेब मृत्यु पर प्राय दीर्घ 150 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रही है। प्रथम कहुच कौन मध्ययुगीय राजनैतिक दृष्टिपट में मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा होता है क्या द्वारा पे बाबर द्वारा बुझेगा। तो कितु यही जो मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता होता बाबर द्वारा तो सहीटा के पर्यंत चलता पे औरंगजेब मृत्यु पर प्राय दीर्घ 150 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रही है। राजनैतिक विपर्जय मध्य प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य खंड विखंडित हो गला। पुणी कौन है पे जो राजनैतिक विपर्जय है तो से कौन जो विशाल साम्राज्य थी खंड विखंडित हो गला। अष्टादश शताब्दी प्रथमार्ध में मोगल साम्राज्य पतन और विभाजन और द्वितीयार्ध में पाश्चात्य शक्ति मानक उत्थान है एथ सहित तो भारत में आधुनिक युगर आरंभ है बुझेगा। ये कौन कह पाने दुईटा अवस्था कि गोटे हूँ अष्टादश शताब्दी कि प्रथमार्धर कि कौन होपर तार द्वितीयार्धर कि कौन है बुझेगा। तो प्रथमार्धर कि कौन है पे मुगल साम्राज्य कि पतन घटी और विभाजन जा द्वितीयार्धर कौन है पे पाश्चात्य शक्ति मानकर कि उत्थान है बुझेगा। एथस भारत आधुनिक युगर कि आरंभ है। तो एपर्त निश्चित भाव में तुम्हें बुझीपार मुगल साम्राज्य केमिका होता एवं तहार केमी पतन विभाजन होगा सहित जो पाश्चात्य शक्ति मानक उत्थान है केवे केवे बुझेगा। आ सहित कौन है पे भारत में आधुनिक युग केवे आरंभ होता से विषय की निश्चित भाव में तुम्हें किसी जापार एवं देख पे मुगल सम्राट औरंगजेब समय मराठा शिख व जाठ मैंने विद्रोह करते बुझेगा। जो औरंगजेब थे जपर्यंत मराठा ही गला पे शिख वो जाठ मैंने विद्रोह करते विद्रोह दमन और शांति स्थापन असफल हो औरंगजेब शेष निश्वास त्याग कले बुझेगा। तो कथा कौन है औरंगजेब कहीं के शेष निश्वास त्याग कले जेबले मैंने औरंगजेब जितेबले मुगल सम्राट थे से ही समय मराठा शिख वो जाठ मैंने विद्रोह करते तो विद्रोह दमन और शांति स्थापन असफल है औरंगजेब बुझेगा। औरंगजेब होती कौन ये जो विद्रोह को दमन करें कि साम्राज्य शांति स्थापन करें आेष निजर शेष निश्वास से त्याग करते बुझेगा। उत्तराधिकारी मैंने अत्यंत दुर्बल और अयोग्य थे। तो कथा हूँ कौन पे औरंगजेब जो उत्तराधिकारी जो मैंने थे से दुर्बल थे वो अयोग्य थे से अमीर मान सहायत शासन परिचालना करुले बुझेगा। से निजर कि नाला बहुत दुर्बल थे से अयोग्य थे से कौन से अमीर मान सहायत शासन परिचालना करुले से दुर्बलतार सुजोग नहीं अमीर बा संभ्रांत मैंने निज निजर स्वार्थ साधन पर लग पड़े जेहेतु से देखिले कि ये औरंगजेब जो उत्तराधिकारी मैंने अच्छा से किसी कम को नुहत
ବୁଝିଲା। ସେମାନେ କଣ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅମୀର ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ଅମୀର ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏମାନେ କିଛି କାମକୁ ନୁହନ୍ତି, ତ କଣ କଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବୁଝିଲା, ଅମୀର ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଅମୀର ମାନେ ଦୁରାନୀ, ଇରାନୀ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରଭୃତି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମୁଗଲ ଦରବାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଅମୀର ମାନେ ଥିଲେ ଦୁରାନୀ ହୋଇଗଲେ, ଇରାନୀ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରଭୃତି ଦଳରେ କି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବୁଝିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳରେ କି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଓ ମୋଗଲ ଦରବାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କଲେ। ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆଖପାଖରେ କି ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟିଂ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ରହିଲାନି, ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିବ, ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ କଥା ଭାବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଧରାଯାଉ, ମୁଁ ଏଇଠି ଦରଜା କହିଦେଉଛି, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଜଣେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ସରକାର ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ କି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେ କି? କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ, ସେହି ପ୍ରକାର କଥା ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ଅମୀରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା, ତ ଏଇ ଅମୀରମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିଲା, ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସୁବା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସୁବା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ସେ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧରାଯାଉ ଆସିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ଯେ କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ଲେଖିବ ତୁମମାନେ। ଦେଖ, ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ବୁଝିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ମୋଗଲ ଶାସକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ କି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ। ବୁଝିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ, ତାପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ମୁବାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ବୁଝିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ କି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁଣି ସେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ କି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ମୁବାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ବୁଝିଲା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ ପିଲାମାନେ, ମୁବାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ, ମୁବାରିଜ ଖାଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଇଛି, ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁବାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ଅସଫ ଜାହା ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶାସନ କଲେ। ବୁଝିଲା, ଯେଉଁ ମୋଗଲମାନେ ପଠାଇଥିଲେ ମୁବାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ, ବୁଝିଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପଠାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ମୋଗଲମାନେ ପଠାଇଥିଲେ ହେଉଛି ମୁବାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ। ତ ମୁବାରିଜ ଖାଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ମୁବାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ଅସଫ ଜାହା ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବୁଝିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଧି ପାଇଲେ କ'ଣ, ଅସଫ ଜାହା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସୁବାରେ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଲେ। ବୁଝିଲା, କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ, ତ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସୁବାରେ ରାଜନୀତିରେ କି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନେଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବା ଅଯୋଧ୍ୟା, ବନାରସ ବନାରସୀ, ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ କାନପୁରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ସୁବାଟା କୁହାଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବନାରସ ବା ବାରଣାସୀ, ତାପରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଆଉ କାନପୁରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ପିଲାମାନେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବା କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତ ତୁମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବା ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ବନାରସ ବା ବାରଣାସୀ, ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ କାନପୁରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଦତ ଖାଁ ଏହାର ସୁବାଦାର ଥିଲେ। ସୁବାର କି ଯିଏ ମେନ୍ ଥିଲେ ବା ହେଡ୍ ଥିଲେ, ସେ କିଏ ପିଲାମାନେ, ସୁବାଦାର। ତ କିଏ ଥିଲେ ସୁବାଦାର, ଏ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୁବାର କି ସୁବାଦାର କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସାଦତ ଖାଁ। ତ ଏମିତିଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିବାର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୁବାର କି ସୁବାଦାର ଡେସ୍ ଥିଲେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସାଦତ ଖାଁ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା, ତାଙ୍କ ପରେ ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ହେଲେ।
बुझला कहाँ को परे पिला माने सादत खान को परे सफदरजंग अयोध्यार शासक होले परवर्ती समय रे से दिल्लीर वजीर बा प्रधानमंत्री हेथिले के पिला माने सफदरजंग अयोध्यार के शासक होले प्रथमे तापर होचे परवर्ती समय रे कोन होला दिल्लीर वजीर बा प्रधानमंत्री हेथिले तांको परे तांकर पुत्र सुजाउद्दौला अयोध्यार नवाब हेले बुझला तांको परे के तांकर पुत्र होचे सुजाउद्दौला से होचंती अयोध्यार के नवाब हेले एक शक्तिशाली सेनाबाहिनी गठन करी उत्तर भारत राजनीति रे से प्रभाव विस्तार करथिले सुजाउद्दौला कौन कले पिला माने एक शक्तिशाली सैन्य बाहिनी गठन कले वो उत्तर भारत राजनीति रे एक प्रभाव विस्तार करथिले बुझ पर्छ दिल्ली रो उत्तर रे लाहौर वो मुल्तान मुगल शासनाधीन थिला दिल्ली रो जो उत्तर रे कि लाहौर थिला वो मुल्तान थिला से कौन थिला पिला माने मुगल मानकर शासनाधीन थिला मुगल साम्राज्य रो आभ्यंतरीण विश्रृंखला रो सुजोग नै पारस्य रे राजा नादिर शाह 1739 ख्रीस्टाब्द रे भारत आक्रमण कले तो ताने देखो निजो निजो घर जेतेले झगड़ा हबो तो पर लोक सेठी फायदा उठांती देखिथिबो तुमे माने जेतेले तुमे माने देखिथिबो कोन तेबेले दुईटा लोक बा दुईटा सांग जेतेले झगड़ा लागिथिबे तृतीय जनक आसीके फायदा उठाए सेही प्रकार कथा पिला माने जेतेले देखिले भारत भितर कि मुगल साम्राज्य माने निजर निजर कोन पिला माने झगड़ा चलची कार किछ ठीक चलिनी तो मुगल साम्राज्य रो आभ्यंतरीण विश्रृंखला चलिची हेला तार सुजोग नै कोन कले पारस्य रे राजा नादिर शाह 1739 ख्रीस्टाब्द रे कि भारत आक्रमण कले से लाहौर अधिकार करी दिल्ली अभिमुख्य अग्रसर हेले बुझे तापर कोन हेला लाहौर अधिकार कर नै कि से दिल्ली अग्रसर हेले तो पानीपत ठारु किछि दूर रे कर्नल ठारे मुगल सेना तांको प्रतिरोध कले बुझि पर्छो जानि छ कि कथा अछि गुडी देख दबा मुगल सम्राट माने शासन क्षेत्र रे केतेक पदवी सृष्टि करथिले वजीर पदवीधारी व्यक्ति प्रधानमंत्री रूपे कार्य करथिले अर्थ ओ राजस्व विभाग तांको हस्तरे थिला अर्थ आ राजस्व जो वजीर थिले से मानक हाथ के कंत्र अर्थ ओ राजस्व विभाग सम्राट को अनुपस्थित रे से शासन कार्य परिचालना करथुले अन्य मंत्री मानु को नियुक्ति ओ बरखास्त करि पारथुले काईना से होजंती प्रधानमंत्री थिले बुझेला तो मुगल सम्राट माने प्रादेशिक शासन दायित्व साधारणत दुई प्रकार कर्मचारी को ऊपर न्यस्त करथिला से माने थिले सुबेदार ओ देवान सुबेदार माने निरापत्ता पुलिस ओ फौजदार मकदमा तदारक करथुले देवान माने राजस्व ओ तत्सम्पर्कीय मकदमा परिचालना करथिले बुझेला तो कोन छि ताले मुगल सम्राट माने प्रादेशिक शासन दायित्व साधारणत दुई प्रकार कर्मचारी को ऊपर न्यस्त करथिला प्रथम हला किए पिला माने सुबेदार आउट होचंती देवान बुझेला जेहेतु सुबेदार देखुछ तुम माने कोन छि से माने निरापत्ता पुलिस ओ फौजदार मकदमा तदारक करथिले किंतु देवान माने कोन छि पिला माने राजस्व ओ तत्सम्पर्कीय मकदमा परिचालना करथिले एबे देखो पिला माने नादिर शाह मुगल सेना को परास्त करी पराजित मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को नहीं दिल्ली नगर रे प्रवेश कले बुझेला जो मोहम्मद शाह थिले से कोन हेले हारी गले तेनु जेहेतु नादिर शाह कोन कले मुगल सेना को परास्त कर दिले तो से कोन कले पराजित मुगल सम्राट जो थिले मोहम्मद शाह तांको नै कि दिल्ली नगरी रे प्रवेश कले बुझेला बहु दिन दिल्ली अधिकार करी सतारे लुंठन व नरहत्या चलाइथिले जो नादिर शाह थिले पिला माने से कोन कले दिल्ली अधिकार करी सतारे लुंठन व नरहत्या चलाइथिले दिल्ली नगरी एक श्मशान रे परिणत होइगला बुझि पार्छ नादिर शाह ताले केमतिया लुक थिले तमाने भाबो से कोन करथिले ताले मुगल सेना को परास्त करी कि कोन करथिले मोहम्मद शाह को नै दिल्ली पळैथिले दिल्ली रे कोन करथिले से लुंठन व नरहत्या चलाइथिले तेनु कोन हला पिला माने दिल्ली नगरी होछ श्मशान रे परिणत होइगला अवशेष रे दिल्ली को लुंठन करी शाहजान को निर्मित मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा हस्ती व अश्व गुड़ी को संगरे नहीं पारस्य फेरी गले बुझेला नादिर शाह कौन कले पिला माने जेते बेले दिल्ली रे की नरहत्या कले बुझेला लुंठन कले शेषर जेते श्मशान रे परिणत होला दिल्ली नगरी से शेषर कौन कले दिल्ली को लुंठन करी शाहजान को निर्मित जो मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा हस्ती व अश्व गुड़ी को संगरे नहीं पारस्य फेरी गले बुझेला हाथी घोड़ा जहाँ थी सब किसी नहीं से पारस्य फेरी गले राजपूत माने अकबर के समय रे मुगल सम्राट को दृढ़ समर्थन दे आसुले बुझेला जो राजपूत थे से कौन करते अकबर के समय रे मुगल सम्राट मान दृढ़ समर्थन दे आसुले किंतु औरंगजेब संकीर्ण व धर्म विद्वेष नीति पर राजपूत मैंने मुगल मान शत्रु हो गले किंतु कौन है पे आम जानले राजपूत मैंने जो राजपूत थे से कौन अकबर के समय को मुगल सम्राट मान दृढ़ समर्थन करते किंतु कथा होते औरंगजेब आसिले संकीर्ण व धर्म विद्वेष नीति देखिले तो तांकर शत्रु होइगले सेमाने को माने राजपूत माने होचंती और औरंगजेब को माने कोन मुगल सम्राट मुगल मानकर कि पुनी शत्रु होइगले औरंगजेब को मृत्यु परे राजपूत माने मेवर जोटा कहो उदयपुर मारवाड़ बा जोधपुर व
अंबर बा जयपुर नामक स्वाधीन राज्य गठन कले। तो कौन है पिला माने ताले मेवार मारवार वो अंबर बुझेला। मेवार हूँ उदयपुर वर्तमान मारवार है जोधपुर अंबर है जयपुर नामक स्वाधीन राष्ट्र गठन करते किए गठन करते पिला माने तीन टा राष्ट्र को राजपूत माने बुझेला। तापर मारवार राजा अजित सिंह गुजरात वो अजमेर रा शासन करता है। जो मारवार राजा किए हेल्ले पिला माने अजित सिंह कौन कले गुजरात वो अजमेर रे शासन करता है। से मध्य आग्रा शासन दायित्व ग्रहण करते बुझेला। जो मारवार राजा थे अजित सिंह से कौन कले गुजरात ता सहित हूँ अजमेर शासन करता थे। से कौन है कालक्रमे से पुणी कौन हो जो आग्रा अच्छी आग्रार मध्य शासन भार ग्रहण कर दायित्व नहीं। से दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा व उज्जयिनी ज्योतिर्विज्ञान पर्यवेक्षणगार प्रतिष्ठा करते बुझे। तो भल कम कर पिला माने दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा व उज्जयिनी ज्योतिर्विज्ञान पर्यवेक्षणगार प्रतिष्ठा करते। तो कौन है राजपूत मान मरहटा व जाठ मान सहित संपर्क रखी थवर उत्थान संभव है ना बुझेला। जेहेतु राजपूत मैंने कौन करते पिला मैंने मरहटा व जाठ मान सहित संपर्क रखते से कौन उत्थान संभव है ना बुझेला। तो गुरु गोविंद सिंह शिख मान संगठित कर एक लड़ुआ गोष्ठी गठन करते बुझेला। कौन है पे मैंने किए करते गुरु गोविंद सिंह शिख मान संगठित कर गोटे लड़ुआ गोष्ठी या बांदा बहादुर शिख मान नेतृत्व नहीं लाहौर अधिकार करते बुझेला। पुणी कौन बांदा बहादुर कौन कले शिख मान नेतृत्व ने लाहौर अधिकार करे। सो शिख मान पुणी कौन पे झेलम ठारू सतलेज नदी पर्यंत व्यापी भूखंड को निजर अधीन को आणिले। जिते भी नदी मान भूखंड पाखापाखि पे झेलम और सतलेज नदी पर्यंत जो भूखंड कौन कले शिख मान निज अधीन को आनी पकेले किंतु कौन से राज्य गठन करने को सक्षम हो नथिले। से अधीन को तो नहीं आसले किंतु कौन से राज्य गठन करें ना शिख मान बुझिपर्यंत। तो प्रत्येक संघ को मिश्ल कहला पुणी कौन है प्रत्येक जिते भी संघ थे कौन कहला मिश्ल बोली कहला मिश्ल क्या कहुए बुझेला। तो मैंने लिखिपार शिख मान द्वारा जो संघ गठित होता कौन कहला प्रति संघ को मिश्ल बोली कहला। तो अफगानी राजा अहमद शाह अब्दुल्ला कौन कले मिश्ल गुड़ी को मिश्ल गुड़ी को ध्वंस करने को चेष्टा कर विफल हो स्वदेश को प्रत्यावर्तन करते बुझेला। ये जो संगठन संघ थी मिश्ल थिला किए ध्वंस करने को चेष्टा करते पे अफगानी राजा अहमद शाह अब्दुल्ला बुझेला। यही मिश्ल गुड़ी ध्वंस करने को चेष्टा कर विफल हेले वो स्वदेश को प्रत्यावर्तन कले मान निज देश को फेरी कले। अष्टादश शताब्दी शेष भाग को महाराजा रंजित सिंह यही मिश्ल गुड़ी को एकत्रित कर एक शक्तिशाली राज्य गठन कले बुझेला। शेष कौन है अष्टादश शताब्दी कि शेष भाग को महाराजा रंजित सिंह बुझेला। महाराजा किए थे रंजित सिंह थे सी कौन कले जिते भी थे मिश्ल थे जो संगठन थी कौन कर संघ थी कौन कले एकाठी कले वो एक शक्तिशाली राज्य गठन कले। औरंगजेब समय शिवाजी मरहटा शक्ति को एकत्रित कर मरहटा राज्य गठन करते। औरंगजेब जिते थे से समय कौन पिला मैंने शिवाजी कौन कर मरहटा शक्ति को सब एकत्रित कर मरहटा राज्य गठन करते। पुत्र शंभुजी को मोगल मैंने हत्या कले और पुत्र साहूजी को बंदी कर रखिले बुझेला। तपर कौन है पे जिते बार शिवाजी देख लो मरहटा मान को लेकिन गोटे मानने मरहटा राज्य गठन करदे कौन पुत्र जो शंभुजी थे मुगल मैंने हत्या करदे और पुत्र साहूजी को बंदी कर रखने। औरंगजेब मराठा मैंने शक्तिशाली हो साहूजी को कारागार मुक्त कले बुझेला। पुणी कौन है औरंगजेब कौन मराठा मैंने जो थे पुणी शक्तिशाली हेले और साहूजी को जो बंदी कर रखते पुणी मुक्त कले। शिवाजी द्वितीय पुत्र राजाराम को राजा कराइले बुझेला। पुणी किए राजा हेल्ले शिवाजी कि द्वितीय पुत्र जो थे राजाराम राजा कराइले। पुणी कौन है पे दुईटा कथा है राजाराम तो राजा ही हेले पुणी कौन साहूजी बंदी जो थे पुणी बाहर को बाहर कराई बुझेला। तो दुई जन भितर कौन हम पुणी आम देखा देख राजाराम और साहूजी मध्य सिंहासन गृहजुद्ध है घर घर भितर कि तुम्हें जमीका देखी थी बुझेला। धन सम्पत्ति जमीका भाई भाई भितर भी युद्ध होती बेले बेले देखु से प्रकार कथा कौन जिते बच्चे पावर कथा ना जिते बार शक्ति कथा से कौन भाई भाई मध्य भी से युद्ध आरंभ हो जाए। तो कौन है राजाराम और साहूजी मध्य कि गृह युद्ध स्टार्ट होती। पेशवा बालाजी विश्वनाथ साहय साहूजी सिंहासन अधिकार कले राजाराम को तो करते राजा किंतु कथी पेशवा बालाजी विश्वनाथ साहय साहूजी कौन कले सिंहासन अधिकार करने
तो राजा रामकर मृत्यु परे तांकर विधवा पत्नी ताराबाई निजर नाबालक पुत्र तृतीय शिवाजी को कोल्हापुर सिंहासन बसाई राजप्रतिनिधि रूपे शासन चलाइले बुझेला पुनी कोन छि जेतेबेले मरिगले किए पिला माने राजाराम राजाराम मरिगले आउ कोन सिंहासन ताले किए पाइथिले सेतेबेले साहूजी बुझेला साहूजी होउछि सिंहासन पाइले किंतु राजाराम कोन हेले मरिगले जेतेबेले तांकर जो विधवा पत्नी थिले जेमिति के तुमने देखि दियो बाहुबली रे कोन थिला पिला माने से तो विधवा नथिले तथापि से होउछि बाहुबली को जो मा कोन करथिले कटी छुआटा को मानने सिंहासन बस कथा चली बुझे बाहुबली मुविरे तुमने देखि थो सही प्रकार कथ पी मैंने कौन है जितेबले मरी हो राजाराम बुझेगा राजाराम मरवा द्वारा तर पत्नी विधवा हो गले ताराबाई ताराबाई कौन करजर नाबालक पुत्र तृतीय शिवाजी को कोल्हापुर जो सिंहासन थी से बसई कि राजप्रतिनिधि रूप से शासन चलते निजे निजे शासन करबालक पुत्र जो तृतीय शिवाजी थे राजा भाव घोषणा करके बुझेगा नेतृत्व में मराठा बाहिनी साहस और उत्साह सह मुगल बाहिनी विरुद्ध युद्ध कला बुझेगा कहाँ नेतृत्व में पिला ताराबाई नेतृत्व में ताराबाई नेतृत्व में मराठा बाहिनी साहस और उत्साह सहित मुगल बाहिनी विरुद्ध कि युद्ध आरंभ करदे तुमको निश्चित भाव में मजा आसो कहीं युद्ध फुद्ध कथ निश्चित भाव में आम फिल्म देखा जाऊ फाइट देखापी एवं तो फाइट आउ फाइट होना से मुवि देखा इच्छा होनी बुझेगा एवं कौन खाली स्टोरी देखा इच्छा होती कौन कौन भल भल स्टोरी आसला कौटी बुझिपार्च एमता मुवि देखा इच्छा होती आगु कौन किए के फाइट करें से देखापी चली जाते से प्रकार कथ एवं इतिहास कथ पे तो युद्ध कथ तो किए किए कौटी कौन युद्ध कर पुणी जो नारी आसल युद्ध करने ताराबाई विषय तुमको मन भितर निश्चित भाव में उत्साह आसुव देख मराठा राज्य अधिकार पर ताराबाई और साहूजी मध्य गृहजुद्ध लग रहा जेहेतु ये छाड़बे स्त्री बुझेगा स्वामी प्रतिशोधन आसीगले ताराबाई से कौन कर साहूजी जो राजा थे सहित हूँ गृहजुद्ध करवा आरंभ करदे किए पे मैंने ताराबाई बुझेगा साहूजी विश्वस्त पेशवा व प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ सहायतार सिंहासन अधिकार कले किंतु कथा से सरी साहूजी पाखे विश्वस्त पेशवा जो थे पे बालाजी विश्वनाथ आउ थे हूँ साहूजी को साय कर बुझेगा तेणु सहायतार कि पुणी आउ थे साहूजी होती सिंहासन अधिकार करने साहूजी को नामक मात्र राजा कराई बालाजी निजे शासन चलाइले पुणी बालाजी कौन कले दिमाग लगे कहे साहूजी को खाली नामक मात्र शासन रखी रखाला बुझे राजा कर रखाला कि सबकि शासन किए चलाइले बालाजी निजे चलैले से दिन ठार् पेशवा पद पुरुषानुक्रमिक है बुझेगा जो पेशवा थी पे जो प्रधानमंत्री थी जो पदटा से पुरुषानुक्रमिक है तो बालाजी पर प्रथम बाजीराव मराठा मानक शासक है बुझेगा बालाजी पर किए हेले पे प्रथम बाजीराव मराठा मानक शासक है तर मराठा शक्ति दुर्बल हो पड़ा पुणी कौन है पे अफगान राजा अहमद अब्दुली मराठा राज्य आक्रमण कले बुझेगा जो मराठा जिते दुर्बल हो पड़ा क्या प्रथम बाजीराव बुझेगा कौन है अफगान राजा जो अहमद शाह अब्दुली थे से मराठा राज्य आक्रमण कले शेष 1761 ख्रीटाब्दे तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा मैंने परास्त है बुझेगा 1761 ख्रीटाब्दे तृतीय पानीपत युद्ध जितेबाला से कौन है मराठा मैंने परास्त हो गले फल मराठा साम्राज्य गठन आशा क्षीण हो गला जो मराठा साम्राज्य गठन करने कथा चलता सी हूँ कौन आशा आशा कि रहीगला बुझिपार्च तो ये देखिए पे आम जान जो तुम्हें जान कि कही देखद मराठा शासक राज्य शासन निजुक्ति कर प्रधानमंत्री को पेशवा पदवी दिया शासन कार्य हुआ जनहितकर कार्य दायित्व था प्रजा मान प्रति जेकोसी निर्देश दस्तखत कराला बुझेगा गोटे स्पेशल पावर दिया प्रधानमंत्री जो कथा पेशवा जो कथा तो जेकोसी कथ हम मैंने दस्तखत निहाती दरकार बुझिपार्च ए देख वाणिज्यवाद और व्यावसायिक संघर्ष एवं देखा वाणिज्यवाद और व्यवसाय जो संघर्ष होगा कमिटी है से विषय देखा ए देखे राजा राजा जो सिंहासन केमिका हो युद्ध कले से विषय देखे एवं देखा वाणिज्य और व्यवसाय विषय केमि संघर्ष होती प्राचीन युगर भारत सहित यूरोपय देश मानक वाणिज्य कारबार स्थलपथ और जलपथ मध्यम चलता बुझा जो बहुत पूर्व काल कौन भारतीय भारत सहित यूरोपय देश मानक वाणिज्य जो कारबार पे जल और स्थलपथ मध्यम चलता आरबीय बणिक मैंने भारत जिनस कि नहीं रोम रणिक मान बिक्री करते जो आरबीय बणिक मैंने से कौन करते पे भारत जिनस कि रोम रणिक मान बिक्री करते रोमियो बणिक मैंने चढ़ा दर से पश्चिम यूरोप्रे से गुड़ी बिक्री करते जो रोमियो मैंने किणुते कि कौन कले चढ़ा दाम पश्चिम यूरोप्रे कि बिक्री करते तो कन्स्टांटिनोपल दे यूरोप सहित वाणिज्य कारबार चलता यहाँ मन रखिए पे क्या देखिए यूरोपय वाणिज्य कारबार चलता बुझेगा
कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 ख्रीष्टाब्दर तुर्की मैंने कॉन्स्टेंटिनोपल को अधिकार कला भारत और यूरोप मध्य वाणिज्य कारबार बाधा प्राप्त होगा कहीं ना से गोटे जगह थी जहाँ मध्यम कि भारत और यूरोप मध्य कि वाणिज्य कारबार होता कितु जो कथ हूँ 1453 ख्रीष्टाब्दर कि तुर्की मैंने अधिकार करने कॉन्स्टेंटिनोपल को कौन है भारत और यूरोप मध्य कि वाणिज्य कारबार बाधा प्राप्त होगा कहीं मझी रास्ता जब बंद होगा देख धरा जाऊ ये हूँ भारत ये हूँ यूरोप ये जाते ये कौन अच्छे पे कॉन्स्टेंटिनोपल बुझेगा जितेबाला तुर्की कौन कर जगह टाक अधिकार करके यहाँ तुर्की हूँ निजर निर्णय ना तो ये जो रास्ताटा बाधा प्राप्त होगा से कौन है भारत आउ यूरोप मध्य जो वाणिज्य कारबार बाधा प्राप्त होगा तेणु से भारत सहित सीधा सड़क वाणिज्य करने चेष्टा चलते बुझे तेणु कौन है सीधा सड़क भाव में भारत सहित वाणिज्य करने चेष्टा चलते पर्तुगीज मैंने प्रथम भारत को आसी यूरोपीय मानक उद्देश्य सफल करते बुझेगा जो यूरोपीय मानक उद्देश्य किए सफल कर पे पर्तुगीज मैंने प्रथम भारत को आसिक यूरोप मान यूरोपीय मैंने जो चाहूल उपनिवेश स्थापन करने बुझेगा आसिक निजर वाणिज्य करने बुझेगा से क्या मध्यम सफल है पर्तुगीज मानक द्वारा बुझेगा तो पर्तुगीज मैंने प्रथम भारत को आसी यूरोपीय मानक उद्देश्य सफल करते तुम्हें जान कि देख पे कॉन्स्टेंटिनोपल आधुनिक इस्तानबुल तुर्की राज्य प्राचीन शिक्षा संस्कृति और वाणिज्य स्थल बुझेगा शिक्षा संस्कृति और वाणिज्य की मेन जगह थी से मुसलमान मान द्वारा प्रतिष्ठित ओटोमान साम्राज्य सुल्तान द्वितीय मोहम्मद 1453 ख्रीष्टाब्दरे कॉन्स्टेंटिनोपल अधिकार करते 1453 यूरोप नवजागरण सृष्टि कॉन्स्टेंटिनोपल पतन विशेष भाव सहायक होता जो यूरोप नवजागरण कौन थी पे कॉन्स्टेंटिनोपल कि पतन विशेष भाव सहायक होता तो ये देख पे पर्तुगीज तो पे आज क्लास शेष करवा नेक्स्ट क्लास देखा कौन पर्तुगीज मान विषय तो एनिवे आशा करुच्ची आज क्लास तुमने निश्चित भाव में बुझिपार तो रोची जय जगन्नाथ नमस्कार।